के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, बद्रीनाथ की महत्ता वर्तमान समय में तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, जब बात राष्ट्रीय एकता की होती है, जब राष्ट्र के लिए समर्पण की मांग देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के नम्बूदरीपाद ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के माथे पे जो केसर लगता है वह कश्मीर से आता है, चंदन तमिलनाडु से आता है, चना दाल गुजरात से आती है जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, और गढ़ा का कपड़ा जिससे भगवान के वस्त्र बनते हैं वह उत्तर पूर्व से आता है। यह धरती पर एक ऐसा वैकुंठ है जो हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक प्रतीक के रूप में है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इन धार्मिक तीर्थ स्थानों पर उनकी विशेष निगाह रहती है। केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा और व्यवस्था के ही लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारे पौराणिक रूप से स्थल हैं उनके विकास के लिए, और वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो रुचि है, जो वहाँ पर उनके परेशानियाँ ना हो, लोग आसानी से आकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर सकें। इसलिए अभी केदारनाथ में जिस तरह से तमाम सारे विकास के कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री वहाँ से करके आए हैं, वहाँ पर और परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बद्रीनाथ में भी अनेक 3400 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित हैं। इसमें अगर हम कहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक दो रोपवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़कों की जो है स्थिति और मजबूत सुदृढ़ की जाएगी। ये देखिए किस तरह से नयनाभिराम दृश्य है, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ जो सीधे भगवान बद्री विशाल के मंदिर से दर्शन होती हैं। निश्चित रूप से ये दृश्य हमारे दर्शक जो देखेंगे उनमें आस्था का एक नया संचार होगा, प्रवाह होगा, उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि हमारी निगहबानी के लिए हमारी चोटियों पर भगवान बद्री विशाल भी बैठे हुए हैं, जहां से थोड़ी दूर बाद हमारी सीमाएं होती हैं उस पर भी भगवान की निगहबानी रहती है, हमारे सेनाओं के जवानों के प्रति भगवान की निगहबानी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी बद्री विशाल के दरबार में नमन करने के लिए आए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचने वाले हैं, मंदिर परिसर में मौजूद हैं, उसके बाद उन्हें वो पूजा अर्चन करेंगे, मंदिर से जुड़ी हुई और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा बद्रीनाथ का पहला दौरा है, इसके पूर्व में भी ये प्रधानमंत्री के रूप में भी यहाँ पर आए हैं, और उसके पूर्व में जब इनका संत स्वभाव था उस दौरान भी बताया जाता है कि उन्होंने कई बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ के भव्य परकोटे पर यह लहराता हुआ धार्मिक झंडा निश्चित रूप से उस मनोबल को दर्शाता है, उस श्रद्धा को दर्शाता है जिसकी आज समस्त देश को जरूरत है, जो ये चाहते हैं कि एक नए रूप से भारत का विकास हो, देश का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो, सब का प्रतीक बन करके आज ये बद्रीनाथ केदारनाथ में सिमटा है, उत्तराखंड में सिमटा है। देवभूमि कही जाती है, देवताओं का घर कहा जाता है, लेकिन तमाम सारी सुविधाओं के अभाव के चलते जो आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा बहुत होती है लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण, और ख़ास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर हैं, लगातार प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद से सुविधाओं को विस्तार से बढ़ाया जा रहा है और लोगों का यहाँ आना भी अधिक हुआ है। अगर इस बार की धार्मिक यात्रा कोरोना के बाद की देखी जाए तो 2 साल पहले की यात्राओं से अब जब यात्रा 2 वर्ष बाद खुली है तो अब तक 37% श्रद्धालु जो है केदारनाथ बद्रीनाथ आ चुके हैं, और यही कारण है कि सुविधाओं के अधिक होने से, संसाधनों के अधिक होने से लोगों का यहाँ आने का आकर्षण निश्चित रूप से बनता है, और उसी लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। 15 लाख श्रद्धालु अब तक जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होगा। निश्चित रूप से यहाँ विकास की जो परियोजनाएं चल रही हैं, जिस तरह से दोनों सरकारें मिल करके डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, निश्चित रूप से धार्मिक और आस्था के लिए ही नहीं बल्कि अपने संसाधनों के लिए भी उत्तराखंड अब समृद्ध हो रहा है, और वह आकर्षण का केंद्र होगा संपूर्ण भारत का।
अब से थोड़ी ही देर में ये आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में कामधेनु गाय उसका मंदिर है। यहाँ पर भी लोग श्रद्धा से आते हैं, कामना करते हैं कि कामधेनु जिस तरह से सबको परिपूर्ण करती हैं हमको भी करें, और उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त वो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, संपूर्ण परिसर और उसके पीछे की ये पहाड़ी नर नारायण की पहाड़ियाँ निश्चित रूप से बहुत ही लोगों को आकर्षित करती हैं, और वो दर्शक निश्चित रूप से हमारे दूरदर्शन समाचार के माध्यम से घर बैठे इन नयनाभिराम दृश्यों को अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं। मंदिर का ये स्वरूप विशाल स्वरूप, इसके ऊपर दो स्वर्ण जड़ित गुंबद हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापना की, उन्होंने चार दिशाओं में जो चार तीर्थों की स्थापना की उसमें बद्रीनाथ जो है एक प्रमुख धाम के रूप में जाना जाता है। हर सनातनी हिंदू के मन में कहीं न कहीं यह एक बार इच्छा जरूर होती है कि बद्रीनाथ जीवन में